वेरी गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे डेली करंट अफेयर्स के ऊपर, यानी कि उन सभी लेटेस्ट इवेंट्स और अफेयर्स की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे। इसके साथ हम लेके आएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इन सभी फैक्ट्स पे, इन सभी इवेंट्स पे बेस्ड होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अवश्य अटेम्प्ट कीजिएगा और इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ शुरू करते हैं आज की दिनांक, यानी कि 21 दिसंबर की डेट से जुड़े हमारे सभी आवश्यक करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मामलों की, यानी कि नेशनल अफेयर्स की। तो चल के देखते हैं कौन से राष्ट्रीय मामले आज हमारे पास है। The very first fact is Reliance Industries Limited is set to build what it is claiming to be world's largest zoo in Gujarat's Jamnagar area. The zoo will have close to 100 different species of animal, birds and reptiles, na ki sirf Bharat se balki samuche vishv se. ये जू बनाया जाएगा तकरीबन 280 एकड़ लैंड एरिया पे और ये करीब होगा रिलायंस कंपनी के रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जो कि मोती खावड़ी में स्थित है नियर जामनगर। दिस जू विल बी कॉल्ड द ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम। ऐसा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका उद्देश्य ही है इंडेंजर्ड जानवरों की रक्षा करना और इस प्रकार के विशेष और यूनिक एनिमल्स को और बर्ड्स को शेल्टर देना जिनकी स्पीशीज विश्व भर में बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम। ये एक CSR का इनिशिएटिव है और उद्देश्य यही है कि स्पेसिफिकली बिग कैट्स जैसे कि लेपर्ड्स को जिनको की इंजरी हो गई है या किसी ह्यूमन अब्यूज के कारण जो घायल हो चुके हैं उनकी रक्षा करना और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ावा देना। दिस जू इज अ प्रोजेक्ट ऑफ रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी सन अनंत अंबानी और एज पर द प्लान लेआउट जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की वेबसाइट पे शेयर किया गया है अब तक, इस जू में कई डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स होंगे जैसे कि फॉरेस्ट ऑफ इंडिया सेगमेंट, फ्रॉग हाउस सेक्शन, इंसेक्ट लाइफ सेक्शन, ड्रैगन्स लैंड सेक्शन, एक्सोटिक आइलैंड, वाइल्ड ट्रेल ऑफ गुजरात एंड एक्वेटिक किंगडम। जू को अलग अलग सेक्शंस में बांटने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार विदेश में जूज पशु पक्षियों और जानवरों की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से इस जू में भी पहली बार अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स क्रिएट किए जाएंगे जिससे न कि जो भी जानवर और पशु पक्षी यहाँ रहेंगे उनको सुविधा मिले और उनकी पॉपुलेशन आगे भी प्रोलिफरेट करे। तो एनिमल्स की सुविधा और उनके संरक्षण के लिए इस तरह का सेगमेंटेड प्लेआउट प्लान डिसाइड किया गया है इस जू के द्वारा। अब ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि इंडिया में जो जूज हैं, यानी कि जो चिड़ियाघर हैं भारत में, दे आर ऑल मैनेज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड दे आर गाइडेड बाय नेशनल जू पॉलिसी ऑफ 1988। तो इन सभी प्रोविजंस का आप खास ख्याल रखिएगा क्योंकि ये तो हम सब जानते ही है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बनी थी वो एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी और एनिमल्स और प्लांट्स के संरक्षण के लिए उनकी यूनिक स्पीशीज को बढ़ाने और उनको बढ़ावा देने के लिए इसका इनैक्टमेंट किया गया था। तो अब चल के देखते हैं कि सेंट्रल जू अथॉरिटी आखिर क्या है और इससे रिलेटेड कौन से जरूरी फैक्ट्स हमें जान लेने चाहिए। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1992 Under the Wildlife Protection Act 1972, यानी कि इसको बनाया गया था Wildlife Protection Act के अंतर्गत। इसका main objective, यानी कि मुख्य उद्देश्य था complement करना और strengthen करना सारे राष्ट्रीय प्रयासों को towards the conservation of rich biodiversity। आप जानते हैं कि भारत विश्व भर में प्रसिद्ध है अपनी अलग अलग यूनिक तरह के एनिमल और प्लांट स्पीशीज के लिए जिसको कि बायोलॉजी में हम फ्लोरा फौना भी कहते हैं। तो इसी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए और इसका संरक्षण करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को भी बनाया गया था। इट इज चेयर्ड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर और इसमें टोटल 10 सदस्य हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी
का सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने है। इसके साथ चल के देखते हैं राष्ट्रीय मामलों में आज दूसरा जरूरी मामला कौन सा हमारे पास है। तो ये है कि किस प्रकार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया है इन हैदराबाद, और इस इनॉग्रेशन के पश्चात भारत वो तीसरा ऐसा देश बन चुका है आफ्टर यूएस एंड रशिया जिसके पास इस साइज और इस ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी का हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है। द स्टेट ऑफ आर्ट HWT यानी कि हाइपरसोनिक विंड टेस्ट फैसिलिटी एक प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन जेट फैसिलिटी है। तो एग्जाम में आपसे इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट डज HWT स्टैंड फॉर, जिसको कि अभी अभी इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। अब ये भी आप याद रखिए इसके साथ कि ये एक इंडिजेनस डेवलपमेंट है, यानी कि ये एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, और इट इज ओनली एन आउटकम विच हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ सिनर्जेटिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा पार्टनरशिप से ही मुमकिन हो पाया है इस तरह का स्वदेशी क्रिएशन। अब इसके साथ ही चर्चा कर लेते हैं DRDO की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप याद रखिएगा कि DRDO, जिसका मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1958 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर इसका संगठन किया गया था। विद अ प्रोजेक्ट इन 1960, यानी कि वर्ष 1960 में एक पहला प्रोजेक्ट था सरफेस टू एयर मिसाइल के ऊपर, इसका नाम था प्रोजेक्ट इंडिगो। इस प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत हुआ था DRDO के सारे मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट्स का, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, क्योंकि इसमें कुछ खास विशेष सफलता हासिल नहीं हो रही थी। DRDO के हेडक्वार्टर्स की अगर बात की जाए तो वो न्यू दिल्ली में स्थित है, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड अगर बात की जाए कि कौन है यहाँ के करंट चेयरमैन, तो ये है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों कि कौन से अंतरराष्ट्रीय मामले आज हमारे सामने हैं। और पहला अंतरराष्ट्रीय मामला है कि किस प्रकार इंडिया हैज बीन रैंक्ड 111th, यानी कि 111वें स्थान पे इंडिया को रैंकिंग दी गई है आउट ऑफ टोटल 162 कंट्रीज इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स ऑफ 2020। ये भी आप अवश्य याद रखिए कि ये एक बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट है, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2019 वर्ष में भारत की रैंकिंग थी 94, लेकिन 17 स्तर से भारत की रैंकिंग गिर गई 2020 के इंडेक्स में, और फाइनली भारत का स्थान हो गया है 111, यानी कि काफी नीचे आ गया है भारत इस एंटायर इंडेक्स की रैंकिंग में। इंडिया का जो टोटल स्कोर रजिस्टर हुआ है वो है 6.43, और ये काफी कम है, यानी कि काफी लोअर है एवरेज ह्यूमन फ्रीडम रेटिंग से, जो कि 6.93 पर आके टिका है। पर्सनल फ्रीडम इन इंडिया वाज गिवन अ स्कोर ऑफ 6.30, वाइल इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो वो आके टिका है 6.56 पर। अब ये भी चल के जान लेते हैं कि अगर बात इस इंडेक्स की हो ही रही है तो कौन से है वो देश जिन्होंने टॉप मोस्ट रैंक पाई है। तो न्यूजीलैंड, जिसकी की राजधानी आप जानते हैं वेलिंगटन है, और स्विट्जरलैंड, जिसको कि आप जानते हैं EU का एक पार्ट है विद इट्स कैपिटल एज बर्न, और हांगकांग। तो ये तीनों ही देश टॉप में टॉप मोस्ट रैंक लेके आए हैं इस इंडेक्स में। और अगर बात की जाए उस देश की जिसने सबसे कम रैंक प्राप्त किया है तो वो है सीरियन अरब रिपब्लिक। इस देश को सबसे नीचे स्तर में रैंक मिला है, और इसका ह्यूमन फ्रीडम स्कोर है 3.79 आउट ऑफ टोटल 10, जो कि काफी कम है वास्तविकता में। अब अगर चर्चा हो रही है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की, तो ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इस पे से एसोसिएटेड किसी भी प्रकार का फैक्ट, कि दिस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कैनेडा। लेकिन अगर बात केटो इंस्टीट्यूट की करी जाए तो मैं आपको ये अवश्य बताना चाहूंगी कि केटो इंस्टीट्यूट जो अमेरिकन लिबर्टियन थिंक टैंक है, उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। अब इसके साथ चल के ये भी देख लेते हैं कि ये इंडेक्स आखिर करता क्या है। तो ये इंडेक्स हर देश को रैंक करता है बेस्ड ऑन सिविल इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम इंजॉयड बाय द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, यानी कि किसी भी देश के नागरिक को किस तरह की और कितनी स्वतंत्रता के अधिकार मिल रहे हैं, इस पे बेस होके ये इंडेक्स क्रिएट की जाती है। टोटल 76 इंडिकेटर्स लेता है ये इंडेक्स अलग-अलग देशों को रैंकिंग देने के लिए, और आउट ऑफ 10 यानी कि 0 to 10 के स्केल पे
मेजर किया जाता है हर कंट्री का अपना फ्रीडम का लेवल अलग अलग क्षेत्रों में। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा है हमारे पास अगला इंटरनेशनल मामला। और अगला इंटरनेशनल मामला ये है कि किस प्रकार 35th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हुआ है और ये कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडियन नेवी एंड बिटवीन इंडोनेशियन नेवी अलोंग देयर इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन। द इंडियन नेवल शिप INS कुलिश एक स्वदेशी रूप से बनी हुई मिसाइल अलोंग विद P-81 मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और उद्देश्य यही है कि टू इंश्योर सेफ्टी यानी कि सुरक्षा को इंश्योर करना एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन द रीजन। विद दिस अब चल के देखते हैं थोड़े से डिटेल्स इंडोनेशिया के बारे में, क्योंकि अभी अभी हमने चर्चा की थी भारत और इंडोनेशिया के बारे में, तो चल के देखते हैं कि इंडोनेशिया से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडोनेशिया जिसको कि रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया भी कहा जाता है एक देश है साउथ ईस्ट एशिया और ओशिनिया में बिटवीन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस। यहाँ पर 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिसमें से कुछ है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावसी एंड न्यू गुइनिया। ये सारे ही नाम जो आपने अवश्य सुने होंगे, कोई अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है तो कोई अपने रिच स्पाइस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड देश है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। और अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ पूरा लैंड एरिया देन इट इज द 14th लार्जेस्ट कंट्री। कैपिटल यहाँ की है जकार्ता और करेंसी की अगर बात करें तो ये है इंडोनेशियन रुपया। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज जोको विडोडो। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन से फैक्ट आज हमारे पास हैं इन द डोमेन ऑफ बुक्स एंड अवार्ड्स। तो जब बात बुक्स एंड अवार्ड्स की जा रही है तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री रविशंकर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सलेंट अवार्ड्स प्रदान किए हैं अलोंग विद श्री संजय शमराव धोत्रे जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं। ये अवार्ड दिए गए हैं दो लोगों को। पहले स्थान पे है श्री श्रीनिवास कारनम ऑफ बैंगलोर और दूसरे स्थान पे है प्रोफेसर सुब्रतकर जिनका नई दिल्ली से संबंध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सलेंस अवार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था वर्ष 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में DOT भी कहा जाता है। दिस अवार्ड हैज बीन नेम्ड आफ्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके जन्म दिवस को कोमेमोरेट करने के लिए। अगर बात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT की हो रही है तो ये तो आप जानते होंगे कि इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थित हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1985 में करी गई थी। अब देखते हैं क्या है उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड गिविंग द अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया जाता है टेलीकॉम स्किल इकोसिस्टम में मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, टू रिवॉर्ड द सक्सेसफुल टेलीकॉम स्किल्ड पीपल फॉर देयर स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि उनके विशेष योगदानों के लिए इन द एरियाज ऑफ टेलीकॉम स्किलिंग, टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम अप्लायंसेज इन डिप्लॉइंग टेलीकॉम डिपार्टमेंट सेक्टोरल सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट फील्ड्स यानी कि विभिन्न तरह के क्षेत्रों में उनके योगदानों के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी कई सारे क्षेत्र। विद दिस अब चल के देखते हैं बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड कौन से समाचार आज हमारे पास हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फर्दर एक्सटेंडेड यानी कि और बढ़ा दिए हैं रिस्ट्रिक्शंस क्राइसिस रिडन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि PMC के ऊपर और ये तकरीबन 3 महीने से बढ़ा दिए गए हैं टिल 31st March 2021। तो आप याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिए हैं रिस्ट्रिक्शन इस बैंक के ऊपर और भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए और बैंक हैज ऑल्सो रिसीव्ड 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इट्स रिवाइवल टू एग्जामिन देम द बैंक वुड नीड सम मोर टाइम। As per the expression of interest, the bank wants to identify a suitable equity investor group of investors willing to take over the management of the bank. यानी कि बैंक को identify करना है एक ऐसा investor, एक ऐसा उपयुक्त निवेशक जो कि बैंक के मैनेजमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल कर सके, सो दैट बैंक के जो रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस हैं और जो कॉमर्स है वो दोबारा से शुरू किया जा सके, रिवाइव किया जा सके।
पीएमसी बैंक, जैसा कि आपने सुना ही होगा, वॉज प्लेस्ड अंडर डायरेक्शंस बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोज ऑफ इट्स बिजनेस ऑन सितंबर 23, 2019, यानी कि पिछले वर्ष सितंबर में ही इसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लग चुके थे अंडर द आरबीआई, और इस प्रकार बैंक के बोर्ड को भी सुपरसीड कर लिया गया था ड्यू टू ह्यूज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड फ्रॉड्स परपेट्रेटेड बाय द प्रमोटर ऑफ रियल एस्टेट ग्रुप एंड सम बैंक ऑफिशियल्स। With this, अब चल के देखते हैं कि खेल की दुनिया से कौन से समाचार आज हमारे साथ हैं। और पहला और सबसे आवश्यक समाचार हमारे पास इस क्षेत्र में ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 4 स्वदेशी खेलों को इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, यानी कि 4 इंडियन गेम्स विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड नाउ इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑफ 2021। स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने जिन गेम्स को इंक्लूड किया है उनका नाम है गतका, कलाई पायतु, थंगता एंड मालाखंबा, यानी कि ये चारों मार्शल आर्ट गेम्स जो कि भारत के अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं, इनको अब इंक्लूड किया जाएगा अपकमिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। इन द ईयर 2021 दीज गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी टेकिंग प्लेस इन हरियाणा। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं डिटेल में कि कौन से हैं ये चारों मार्शल आर्ट गेम्स जो कि इतने प्रसिद्ध हैं और जिनको कि इस इवेंट में अब शामिल करने की अनुमति दे दी गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चारों गेम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कलारी पायतु। कलारी पायतु को कलारी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा इंडियन मार्शल आर्ट गेम है जो ओरिजिनेट किया है मॉडर्न डे केरला में। केरला एक ऐसा स्टेट जो कि आप जानते हैं जिसको गॉड्स ओन लैंड भी कहा जाता है अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से, एंड इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो वहां से संबंधित है आपका ये खेल कलारी। इसके साथ अब आप अगले गेम के बारे में भी जान लीजिए कि अगला गेम है गटका और ये है संबंधित पंजाब से, यानी कि पंजाब की सिख कम्युनिटी का ये एक वेरियंट है ऑफ मार्शल आर्ट। थंगता एक पॉपुलर टर्म है एंशियंट मणिपुरी मार्शल आर्ट का जिसको कि हुयेन लेलोंग के नाम से भी जाना जाता था। ये आर्ट डेवलप किया गया था युद्ध के समय इन द टाइनी स्टेट ऑफ मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जिसकी राजधानी है इम्फाल। और इसके साथ अगर आप देखें मालाखंब को, तो मालाखंब एक इस तरह का गेम है जहां पे माला का मतलब होता है रेसलर यानी कि पहलवान योद्धा, और खंबे का मतलब होता है एक ध्रुव, यानी कि खंबे का मतलब आप एक पोल के रूप में भी समझ सकते हैं। अब ये एक इस प्रकार का ट्रेडिशनल खेल है जहां पे जो एथलीट्स होते हैं वो कई तरह के जिमनास्टिक्स परफॉर्म करते हैं और अलग अलग पोजेस में पोल की सहायता से अपना कार्य करते हैं। द स्पोर्ट इज प्रैक्टिस एक्सक्लूसिवली इन इंडिया, यानी कि बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध एक आर्ट फॉर्म है ये भारत से संबंधित, और स्पेशली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसको वहां का स्पोर्ट ऑफ द स्टेट भी डिक्लेयर किया गया है। अब खेलो इंडिया गेम्स की क्योंकि बात हो ही रही है तो हम ये भी जान लेते हैं कि क्या है ये गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिनको फॉर्मली खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भी कहा जाता था, ये इस प्रकार के गेम्स हैं जो हर साल किए जाते हैं जनवरी और फरवरी के महीनों में। दीज आर द नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स इन इंडिया हेल्ड फॉर 2 कैटेगरीज, यानी कि 2 कैटेगरीज में करे जाते हैं। एक है अंडर 7 कैटेगरी और एक है अंडर 21 कैटेगरी। अंडर 7 कैटेगरी इज फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड अंडर 21 कैटेगरी इज फॉर कॉलेज गोइंग प्लेयर्स। वर्ष 2018 में 31 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एट द ओपनिंग सेरेमनी बेस्ड ऑन भारत का प्राचीन गुरु शिष्य ट्रेडिशन इन न्यू दिल्ली। इस संदर्भ में ये भी आप मत भूलिएगा कि 27 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था खेलो इंडिया ऐप एट द यूथ इंडियन पार्लियामेंट इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। किस लिए? टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अमंगस्ट द न्यू जनरेशन और द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। अब चल के देखते हैं कौन सी हैं वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज जो आज न्यूज में हैं। तो यहां से संबंधित खबर है कि किस प्रकार सुखबीर सिंह संधु को बनाया गया है एक बार फिर से NHAI चेयरमैन, यानी कि ऑलरेडी ये इस पद में थे और इनको फिर से एक 6 महीने का एक्सटेंशन यानी कि बढ़ोतरी दे दी गई है इनके कार्यकाल को। पहला एक्सटेंशन इनको दिया गया था जुलाई 2019 में जनवरी 21, 2021 तक के लिए।
अब ये भी आप याद रखिए यहाँ से संबंधित कि NHAI आखिर क्या है। आपने बहुत सुना होगा हाईवेज के संबंध में अबाउट द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक नोडल एजेंसी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी NHAI एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1988 में। और इसका जो मुख्य रोल है, जो मेन इसका कार्य है, वो है टू डिवेलप, मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवेज अक्रॉस द कंट्री। यानी कि पूरे भारत में जो भी नेशनल हाईवेज है उसका मैनेजमेंट और उसकी देखरेख करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो कुछ विशेष कार्य हैं वो है जैसे कि कलेक्ट करना फीस और टोल ऑन हाईवे। तो इस प्रकार के सारे काम किए जाते हैं NHAI के अंडर। और ये कंट्रोल भी करता है प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स और NH के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए भी काम करता है। अब NHAI की बात हो रही है तो इसके संबंध में मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बता दूं कि NHAI ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के साथ और नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च के साथ वर्ष 2016 में टू अलाउ द यूज ऑफ स्पेटियल टेक्नोलॉजी फॉर हाईवे मॉनिटरिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप याद रख लीजिए कि भारत की अगर बात हो रही है तो द नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे यानी कि NH7 ये है भारत का सबसे लंबा हाईवे क्योंकि ये रन करता है 3745 किलोमीटर तक फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। सब चल के देखते हैं कौन सा है आज खास दिन। तो आज के दिन यानी कि 21 दिसंबर को पड़ा है दिसंबर सोल्स्टाइस यानी कि 21 दिसंबर का विंटर सोल्स्टाइस 2020 वर्ष के लिए आज ही के दिन पड़ा है। और क्या होता है ये दिसंबर शीतकालीन अयनांत? तो विंटर सोल्स्टाइस जिसको कि हम शीतकालीन अयनांत भी कहते हैं और हेमल सोल्स्टाइस के नाम से भी जानते हैं, हाइबर्नल सोल्स्टाइस के नाम से भी जानते हैं और मिड विंटर के नाम से भी बुलाते हैं, ये तब होता है जब अर्थ के पोल्स हैव देयर मैक्सिमम टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि अगर उत्तर हेमिस्फीयर की बात की जाए तो दिसंबर सोल्स्टाइस इज द विंटर सोल्स्टाइस, लेकिन अगर बात हो रही है सदर्न हेमिस्फीयर की यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की तो ये समर सोल्स्टाइस माना जाता है। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हेमिस्फीयर द विंटर सोल्स्टाइस इज द डे जब दिन सबसे छोटा होता है और रात बहुत ज्यादा लंबी होती है एक पर्टिकुलर डे की क्योंकि सन इज एट इट्स लोएस्ट डेली मैक्सिमम एलिवेशन इन द स्काई दैट डे। विद दिस ये भी आप जान लीजिए कि जून सोल्स्टाइस फिर क्या होता है। तो जून सोल्स्टाइस इज दैट सोल्स्टाइस ऑन अर्थ दैट अकर्स ईच ईयर फॉलिंग ऑन 20 to 22nd जून अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून सोल्स्टाइस समर यानी कि ग्रीष्म सोल्स्टाइस होता है व्हाइल इन सदर्न हेमिस्फीयर इट इज द विंटर यानी कि शीतकालीन सोल्स्टाइस। विद दिस सब चल के देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी फैक्ट्स जिनको जानना हमारे एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखते हैं कौन से हैं ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट भारत रत्न। तो ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि दिया जाता है एक्सेप्शनल यानी कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ आर्ट लिटरेचर साइंस स्पोर्ट्स एंड इन द रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जिन रिसिपिएंट्स को ये अवार्ड मिलता है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और पीपल लीफ के शेप का एक मेडल दिया जाता है जिसका चित्र आप यहां देख सकते हैं। इस पुरस्कार के साथ कोई मॉनेटरी यानी कि किसी भी तरह का मौद्रिक अनुदान नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है इस पुरस्कार से संबंधित। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1954 में और पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला था वो थे सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन भारत के बहुत ही ज्यादा फेमस फिजिसिस्ट एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसके साथ ये भी आप जान लीजिए कि द अवार्ड वाज ओरिजिनली लिमिटेड टू अचीवमेंट्स इन ओनली आर्ट लिटरेचर साइंस एंड पब्लिक सर्विस, लेकिन वर्ष 2011 के ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया है इसको देने के लिए जो है Any field of human endeavor, the recommendations for Bharat Ratna, यानी कि इसकी जो सिफारिश होती है वो दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा to the president, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं इसका recommendation और एक वर्ष में खाली 3 nominees को ही recommend किया जाता है इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जिनके नाम की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भारत की सर्वोच्चतम एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी भी है मसूरी में, आप जानते ही होंगे, उनको दिया गया था ये अवार्ड पोस्थुमसली यानी कि वो थे पहले वो व्यक्ति जिनको पोस्थुमस यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
और अगर वर्ष 2014 की बात की जाए तो उस वर्ष सचिन तेंदुलकर, जो कि जिनके नाम को क्रिकेट के क्षेत्र में किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, उनको दिया गया था कुल 40 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार, मेकिंग हिम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। ये भी आप याद रखिएगा दैट ही वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्चुअली हैव रिसीव्ड भारत रत्न पुरस्कार। अब वैसे तो ये अवार्ड दिया जाता है खाली भारतीय सिटीजन्स को, यानी कि इंडियन बोर्न नागरिकों को, लेकिन भारत रत्न को एक नेचुरलाइज सिटीजन को भी दिया गया था जिनका नाम है मदर टेरेसा। विद दिस ये भी हम जान लेते हैं कि भारत रत्न हैज बीन गिवन टू टू नॉन इंडियंस, दो गैर भारतीयों को भी ये अवार्ड दिया गया है, जैसे कि अब्दुल गफर खान, जिनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और बाद में जो पाकिस्तान के सिटीजन थे, और नेल्सन मंडेला को, जिनका नाम साउथ अफ्रीकन मूवमेंट के लिए एक्सट्रीमली पॉपुलर है। अब इसके पश्चात ये भी जानना आवश्यक है कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अवार्डेड भारत रत्न पोस्थमसली इन 1992, लेकिन क्योंकि अभी तक उनकी मृत्यु का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, इस वजह से ये पुरस्कार वापस ले लिया गया था। तो ये एक बहुत ही यूनिक इवेंट था जब दिया हुआ पुरस्कार भी वापस ले लिया गया था, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी अराउंड सुभाष चंद्र बोस जीस डेथ। भारत रत्न रिसिपिएंट 2019 के कौन थे, ये तो एक लेटेस्ट इवेंट ही है, तो इसलिए आप सब जानते होंगे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, उनको ये अवार्ड दिया गया था, और ये राष्ट्रपति थे 2012 से लेके 2017 तक। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था, और इसके साथ इनको भारत रत्न 2019 में मिला था। नानाजी देशमुख एक ऐसे सोशल वर्कर जिन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और रूरल सेल्फ रिलायंस की फील्ड में सराहनीय काम किया है, और इसलिए इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और भूपेन हजारिका एक ऐसे सिंगर कंपोजर जिनका संबंध भारत के असम राज्य से है और जिनका नाम कौन नहीं जानता, इनकी गायकी के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको न कि सिर्फ भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, बल्कि पद्म विभूषण से 2012 में, पद्मश्री से 1977 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 1992 में, और पद्म भूषण पुरस्कार से 2001 में भी इनको सम्मानित किया गया था। यानी कि भारत सरकार द्वारा दिए गए सारे ही सर्वोच्चतम पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। अब इसके साथ चल के देखते हैं कि इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और करंट अफेयर्स पे बेस्ड कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इन व्हिच ईयर वाज द सेंट्रल जू अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस है ए 1993, बी 1992, सी 1972 या फिर डी 1982। अगला सवाल कहता है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस है ए जी सतीश रेड्डी, बी अविनाश चंदेर, सी कैलाश वैद्यू सिवन या फिर डी बी एन सुरेश। Next question says, where are the headquarters of the Cato Institute located? The Cato Institute ke mukhyalay kahan sthit hain? Options hai A. New York, B. London, C. Washington DC ya phir D. Paris. Agla sawal poochta hai, in which year was Pandit Deen Dayal Upadhyay Telecom Skill Excellence Award Scheme launched by the central government? Kis varsh ki gai thi ye scheme launch Bharat Sarkar ke dwara? ऑप्शंस हैं ए 2019, बी 2018, सी 2017 या फिर डी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इंडियन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट, किस राज्य से जुड़ा हुआ है ये आर्ट फॉर्म। ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या फिर डी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हु इज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड पोस्थमसली। ऑप्शंस है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर या फिर डी कुमारस्वामी कमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हु इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। ऑप्शंस है ए धोंडो केशव कारवे, बी सचिन तेंदुलकर, सी मदर टेरेसा या फिर डी लता मंगेशकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, गटका मार्शल आर्ट इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ऑप्शंस है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात या फिर डी बिहार। इन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्वेश्चंस के बाद हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।